आज हम बात करेंगे प्रदूषण से राहत की। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण ने हालात बेहद गंभीर बना दिए थे। हालात ये थे कि चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण था, लेकिन आज दिल्ली की थोड़ी जो है वो राहत की खबर दिल्ली से आती हुई मिल रही है। हवा में सुधार के साथ दिल्ली सरकार भी फुल एक्शन में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही सरकार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन पर भी विचार कर रही है। प्रदूषण को कम करने की कोशिश लगातार जारी है। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार के लागू सख्त नियम और लोगों की अवेयरनेस से ही शहर को साफ हवा का हक मिल सकता है, वरना जहरीला स्मॉग यूं ही लोगों को बीमार करता रहेगा। अब इंडिया गेट की इस तस्वीर को ही देख लीजिए, वहां सुबह सैर के लिए निकले लोगों को भी स्मॉग का सामना करना पड़ा। राहत की खबर यह है कि यह स्मॉग इतना नहीं जितना कुछ दिनों पहले देखने को मिल रहा था, यानी दिल्ली वालों को बढ़ते प्रदूषण से कुछ दिनों के लिए राहत मिली है। थोड़े दिनों में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, पर्टिकुलरली दो दिन पहले तो बहुत ज्यादा था, कल थोड़ा बेटर हुआ, आज उससे थोड़ा सा बेटर है स्लाइटली, बट सांस लेने में डस्ट का आप फील कर पा रहे थे। परसों भी हमने खास तौर से किया था, मेरे फ्रेंड भी आते हैं यहाँ पे, मेरी वाइफ भी साथ में आती हैं, तो हमने फील किया था बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे थोड़ा सा ये टाइम सर्दी वाला आता है दिवाली के आसपास में, ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब मुश्किल हो जाता है, हमारे को सांस लेने में दिक्कत आती है। और ख़ासतौर से आपने देखा होगा दिल्ली में आजकल लोगों को खांसी भी हो रही है, बुखार सा हो रहा है, इरिटेशन हो रही है गले के अंदर, तो ये दिक्कतें हमेशा होती हैं। पोल्यूशन यही है, जैसे अभी मैंने बात की तो मेरा गला थोड़ा सा खरखराया ना, तो ये फ़र्क पड़ रहा है। और भाई इनहेल कर रहे हैं हम पोल्यूशन, तो डस्ट उड़ती है, पोल्यूशन, हवा बहुत पोल्यूटेड होता है, तो वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम भी अपने घर से थोड़ा सा दूर आते हैं क्योंकि कॉलोनी यहाँ पे फिर भी थोड़ी हवा एज़ कम्पेयर थोड़ी साफ होती है, ग्रीनरी ज़्यादा है। अब जितने ज़्यादा पेड़ कट होते रहते हैं, जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती रहती है, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं दिल्ली में, ये दो तीन महीने जो टाइम होता है दिवाली से पहले का, दिवाली के बाद का, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदूषण से बचाव के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रदूषण से बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाएं जो है उनको इसमें सतर्क रहना चाहिए, जरूरत होने पर ही वो घर से बाहर निकलें। इसके अलावा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी राज्य सरकारों को भी सतर्क होना जरूरी है। हवा में मौजूद हानिकारक तत्व जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और छोटे छोटे कण स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लिहाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदूषण से चिंता भी जाहिर की है। प्रदूषण आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, दिवाली भी आ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि प्रदूषण के बीच संभव हो तो खेल से जुड़ी गतिविधियों से भी बचें, और साथ ही साथ जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं फिलहाल वो बाहर ना जाएं, घर पर बैठकर ही व्यायाम करें, योग करें। तो प्रदूषण का स्तर जो है वो खराब स्थिति में बना हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के मुताबिक आज जो है वो प्रदूषण कम देखा गया है। और हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा जो है वो इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। तो सुशांत, दिल्ली में जो है प्रदूषण लगातार जो है बढ़ रहा है, AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज जो है वो मौसम में थोड़ा बदलाव देखा गया है। हाँ देखिए दीपिका, मैं बता दूं पिछले कई दिनों से, ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो लगभग पांच दिन से, पिछले पांच दिन की अगर बात की जाए तो प्रदूषण का स्तर दिल्ली के कई अलग अलग हिस्सों में 400 तक पहुंच गया था। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है कि पिछले दो तीन दिनों के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार कमी जो है वो देखने को मिल रही है। AQI जो लेवल है वो दिल्ली के अंदर 284 के आसपास जो है वो इस वक्त दर्ज किया गया है। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो तेज हवाएं चल रही हैं उसके कारण प्रदूषण के स्तर में कमी जो है वो देखी गई है। हालांकि अगले कुछ दिनों में जिस तरीके से दिवाली का फेस्टिवल है, आतिशबाजी पर फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से रोक लगाई गई, लेकिन अमूमन हर साल देखने को मिलता है कि आतिशबाजी पर रोक जरूर होती है लेकिन उसके बाद आतिशबाजी होती है जिसके कारण प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ता है। और एटमॉस्फेयर के अंदर हवा का दबाव अगर कम होगा तो जाहिर तौर पर प्रदूषण का लेवल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी राहत ये है दिल्ली वालों के लिए, एक अच्छी गुड न्यूज़ अगर कहा जाए तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से जो AQI 400 350 के आसपास दर्ज किया जा रहा था, खासतौर पर आनंद विहार
अलीपुर, इन वो इलाके हैं जहां पर हॉटस्पॉट जो है वो सरकार की तरफ से बनाए गए थे। ग्रैप 2 जो है वो लागू कर दिया गया, लेकिन अब थोड़ी सी राहत ये है कि AQI लेवल 284 के आसपास जो है वो पहुंचा है। हालांकि अभी भी स्थिति खराब है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से खराब स्थिति जो है वो नहीं है। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से साफ तौर पर सख्त निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। सुबह के वक्त जो बच्चे अपने घरों से स्कूलों की तरफ जाते हैं उनको खास तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे खास तौर पर उनके ऊपर इन्फेक्शन का स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो कोर मॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं जिनको अस्थमा है, इस तरीके के जो मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, उनको कम से कम जो है वो सुबह के वक्त बाहर निकलने की हिदायत जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है, ताकि कम से कम जो है वो बाहर निकले, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ जो है वो हो सकती है। फिलहाल इसमें अगर साफ तौर पर कहा जाए कई सारे लोग जो है वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का स्तर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। जी सुशांत, और साथ ही साथ प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से जो एहतियात बरते गए हैं, लाइक सरकार ने जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की है, क्योंकि आप लगातार फील्ड पर हैं, तो क्या उससे कोई फायदा होता नजर आ रहा है? देविका, मैं चाहूंगा कि एक बार अपना सवाल जो है वो दोबारा। जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सरकार ने जो है वो मुहिम चालू की है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की जो शुरुआत हुई है, क्या उससे फील्ड पे आप देख रहे हैं कोई फर्क नजर आ रहा है आपको, कि इस मुहिम के जरिए आप जो प्रदूषण है उसमें जो है वो कम आपको होता दिख रहा है, जो AQI लेवल है वो मेंटेन हो रहा है? देखिए दीपिका, सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके के स्टेप्स जो हैं वो प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाते हैं। खासतौर पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की ये जो पूरी नई प्रक्रिया जो है वो सरकार की तरफ से पिछले कई महीनों से जो है अगर कहा जाए हर साल की जाती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो नई दिल्ली जहाँ पर खासतौर पर सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है खासतौर पर आनंद विहार की अगर बात की जाए, जहाँ पर हॉटस्पॉट है, दिल्ली के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी स्तर पर गाड़ियाँ दूसरे राज्यों से भी आती हैं, जहाँ पर बड़ा हॉटस्पॉट जो है वो बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, वहाँ पर किस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों का ही पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में नहीं है, इसके अलावा डस्ट पॉल्यूशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन वर्क से जिस तरीके से डस्ट पार्टिकल छूटते हैं उससे भी पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है। निश्चित तौर पर जब लोग गाड़ी ऑफ करेंगे तो उससे पॉल्यूशन के स्तर में थोड़ी बहुत राहत जो है वो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन होता है वो सीधा इम्पैक्ट करता है आपके लंग्स पर, उससे थोड़ी राहत जो है वो आसपास के उन हिस्सों में ज़रूर नज़र आती है जहाँ पर ये स्कीम जो है वो लागू की जाती है, नई दिल्ली इलाका हो चाहे वो सिविल लाइन का इलाका हो, जहाँ पर ये स्कीम लागू की जाती है उस दौरान वहाँ पर तो इम्पैक्ट नज़र आता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए जहाँ पर लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते उसका नुकसान भी जो है लोगों को करना पड़ता है। जी प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही सरकार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन पर भी विचार कर रही है। दिवाली से पहले ही दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वालों को अपनी सेहत के लिए फिक्र भी जो है वो सताने लगी है। सर्दियों का मौसम आते ही जहरीली हवा से देश की राजधानी का दम घुटने लगता है। ठंड के इस मौसम में जब हवाओं की रफ्तार थम जाती है तो दिल्ली पर सांसों का संकट और गहराने लगता है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। गुरुवार को प्रदूषण में थोड़ी कमी तो दर्ज की गई, लेकिन दिल्ली NCR को राहत देने के लिए ये नाकाफी था। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो चुका है। डीजल जनरेटर पर पाबंदी है और लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की गई है। अब दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के मकसद से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की। 14 अक्टूबर के बाद मौसम विपरीत दिशा में बढ़ना शुरू हुआ है। हवा की गति जब ठहर रही है, बारिश बंद है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो प्रदूषण जो AQI का लेवल है बढ़ रहा है। हमारी सरकार की कोशिश क्या है,
कि पहले दिल्ली में अपने हिस्से का जो पोल्यूशन पैदा होता है, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे डस्ट का पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, उसको युद्ध स्तर पे कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए और उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। ग्रैप 2 की पाबंदियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को इस अभियान में शामिल किया जा रहा है। जिन वॉलंटियर्स को पहले छुट्टी दे दी गई थी, उन्हें इस मुहिम के जरिए 4 महीने और काम करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए आने वाले 4 महीनों में नौकरी दी जाएगी, 4 महीने का रोजगार अपना पक्का होगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को भी जिम्मेदार बताया जाता है। दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों से भी प्रदूषण पर लगाम लगाने में सहयोग करने की अपील की है। अगर सख्त पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण के हालात नहीं सुधरे तो सरकार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने पर भी विचार कर सकती है। अभी आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में कभी हुआ नहीं, तो जो जो काम ग्राउंड के हैं, हम ग्राउंड वर्क को भी मजबूती से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ देश और दुनिया में जो जो टेक्नोलॉजिकल नए सोल्यूशन आ रहे हैं, उनको भी दिल्ली के अंदर जो है हम इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। आज DDMA की बैठक थी, वहाँ LG साहब से भी हमने निवेदन किया है केंद्र सरकार से बात करें। मेरे ख्याल से अगर IIT कानपुर ने इतना मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को अगर ढूंढा है, तो हमारा प्रयास ये है कि उसका कम से कम पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर इस बार किया जाए, जिससे उसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया जा सके। सेंटर से नोड मिला, क्लियरेंस मिला आपको? नहीं, अभी तो हमने मीटिंग के लिए निवेदन किया है, अभी जवाब तो नहीं आया है। आज हमने LG साहब से भी कहा है कि वो भी सेंटर से बात करें, और मेरा सोचना यह है कि हमें जो भी बेस्ट एफर्ट हैं उनको हम सबको जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सरकार ग्रैप 2 लागू करने के साथ ही पड़ोसी राज्यों और लोगों से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में सहयोग की अपील कर रही है। फिक्र इस बात की है कि दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, ऐसे में दिवाली के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पॉल्यूशन से निपटने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले खानपान को अपनाना जरूरी है। साथ ही घर के बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। दरअसल अच्छी सेहत बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आपकी ढाल बन सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर और खानपान में कुछ बदलाव करके आप घर बैठे प्रदूषण को मात दे सकते हैं। धूल धुएं का गुबार दिल्ली की उत्सवी चमक को फीका करने पर आमादा है, लेकिन दिल्ली वालों को भी साफ हवा का हक है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। अच्छी सेहत बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आपकी ढाल बन सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर और खानपान में कुछ बदलाव करके आप घर बैठे प्रदूषण को मात दे सकते हैं। लिहाजा अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। जब प्रदूषण कम हो, मौसम साफ हो, तब पैदल चलें, ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करें। प्रदूषण के दौरान जब भी घर से बाहर जाएं, तो मास्क लगाएं। जब भी घर से बाहर निकलें, आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें। घर में नियमित साफ सफाई डस्टिंग करते रहें। घर के बाहर सड़क को गीला करें ताकि धूल के दूषित कण हवा में ना उड़े। अपने घर, ऑफिस और आसपास की जगहों पर पेड़ पौधे लगाएं। ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब रहें ताकि तनाव से बचा जा सके। खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी खाएं और अपने आहार में डेयरी और मांस की मात्रा कम करें। खानपान में ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप वो खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। इसके लिए आंवला, जो विटामिन सी का स्रोत है, इसका सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, जो विटामिन और मिनरल समेत कई पोषक तत्वों का स्रोत है। काली मिर्च में भी विटामिन और मिनरल्स के गुण पाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल करें। सेब को रेगुलर तौर पर खाया जाए तो माना जाता है कि फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो वायरल संक्रमण से लड़ने में सहायक है, लिहाजा हल्दी का भी सेवन करें। बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से दिवाली पर बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर इनकी सेहत पर पड़ता है। ऐसे में इनका ख्याल कैसे रखा जाए, ये जानना भी बेहद जरूरी है।
बच्चों और बुजुर्गों की डाइट में विटामिन सी को शामिल करें। आँखों को ताजे ठंडे पानी से 2-3 बार धोने को कहें। बिना मास्क पहने उन्हें घर से बाहर न निकलने दें। बच्चों और बुजुर्गों की बॉडी हाइड्रेट रखें। उन्हें दिन भर में 6-7 ग्लास पानी पीने की सलाह दें। बाहर जाना पड़ता है तो ब्रेक्स में जाएं या दोपहर में जाएं, सुबह शाम ना जाएं जब पोल्यूशन ज्यादा होता है, या एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करके तब जाएं, और जब बाहर जाने से पहले N95 मास्क लगा के जाएं। थोड़ा साथ में बहुत सारे तरल पदार्थ लेके जाएं, बार बार पानी पीते रहें, ब्रेक्स में अपना ट्रेवल पूरी करें। घर के अंदर भी रहें तो भी ध्यान रखें कि आप एंटीऑक्सीडेंट लें, पानी खूब सारा पिएं, नींद अच्छी लें, तरल पदार्थों का सेवन करें। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, अस्थमा की या COPD की, तो उस मेडिसिन की डोज को डॉक्टर से दोबारा रिव्यू करा लें, चेक करा लें, अपना ग्लूकोज चेक करा लें, डायबिटीज अभी कंट्रोल्ड है नहीं। फेस्टिव सीजन में प्रदूषण से खुद को और अपने परिवार को बचाने के ये कारगर उपाय हैं, जिनके जरिए हम प्रदूषण की अपने घर में नो एंट्री कर सकते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में तेज हवा चलने की वजह से प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति कब तक बनी रहेगी इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि दिल्ली के लोगों को मिली आज की ये मामूली राहत तभी तक सीमित है जब तक कि हवा चल रही है। जैसे ही हवा थमेगी एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावनाएं हैं। और केवल हवा ही नहीं, दिल्ली में जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साल 2025 तक यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने का वादा किया था। 2025 आने में महज कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन यमुना की तस्वीरें आज भी वैसी की वैसी हैं, जैसे आज से 4 साल पहले थी। दिवाली के कुछ दिनों बाद मनाए जाने वाले पूर्वांचली त्योहार छठ पर्व आने वाला है, लिहाजा सरकार यमुना की सफाई के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कालिंदी कुंज में यमुना नदी में बढ़ रहे सफेद झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से डिफोमर का छिड़काव किया जा रहा है। छठ पर्व में हर साल की तरह झाग के बीच लोग पर्व ना मनाए, इसके लिए अभी से सफाई अभियान शुरू हो चुका है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जो टॉक्सिस का लेवल है यमुना नदी में लगातार पिछले कई दिनों से बरकरार है, और इसी टॉक्सिस लेवल को कम करने के लिए फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से डिफॉर्मर का छिड़काव जो है वो यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ये सफेद रंग की चादर आप देख रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से लगातार पूरी यमुना में इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनको फिलहाल घाटों तक जाने से रोकने के लिए बाकायदा यहाँ पर ग्रीन कलर के अगर आप देखेंगे तो नेट जो है वो यमुना के बीचों बीच जो है वो बिछाए गए हैं, ताकि सफेद झाग जो है वो आगे की तरफ ना जाए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बकायदा यमुना के बीचों बीच अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके की पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई है, ताकि यहाँ पर जितने भी फॉर्म यहाँ पर झाग जो है उनके ऊपर इस डिफॉर्मर का छिड़काव जो है वो यहाँ पर किया जा सके। इस तरीके की तैयारी जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोर्ड के जरिए भी तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर छिड़काव जो है वो करते हुए आपको नजर आएंगे, और ये पिछले कई दिनों से यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि ये जो सफेद रंग की चादर है, झाग है, उनको कम किया जा सके और आगे की तरफ घाट की तरफ ये जो टॉक्सिस का लेवल है, सफेद रंग के झाग हैं, वो आगे की तरफ ना बढ़ सके। इसकी तैयारी जो है वो फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से की जाए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में छठ का पर्व है और लोग घाटों पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे, और ऐसे में वो सफेद रंग के झागों में पूजा अर्चना ना करें, इसको लेकर के ये तैयारी जो है वो फिलहाल की गई है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण के बीच सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना। ऐसे में क्या जरूरी टिप्स हैं जिनसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर घर के बाहर कोई काम जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। प्रदूषण के वक्त सुबह की सैर और जॉगिंग से परहेज करना चाहिए। घर से बाहर जाते वक्त मास्क पहनकर निकले। इस बीच सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाते समय मास्क का यूज जरूर करना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर ना भेजें। सुबह साइकिल चलाने से बचें, ज्यादा देर पैदल ना चलें। संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें। ऐसी चीजें ज्यादा खाएं जिनमें विटामिन सी और ओमेगा-3 की मात्रा ज्यादा हो। खाने में शहद, लहसुन, अदरक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। खांसी जुकाम हो तो शहद और अदरक के रस का सेवन करें। लहसुन का इस्तेमाल करें, प्रदूषण से लड़ने की ताकत बढ़ेगी।
कब्ज से छुटकारे के लिए शहद में काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन करें।